ओम शांति। आज की मुरली की खास बातें, तारीख 11 जून 2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। नंबर 2, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहां भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। और अंत में, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।